हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैसेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपकी टीम सी और वन एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो अभी तक हमने पढ़ा है पेपर 1 हमने पढ़ना शुरू किया था। 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 1 के अंदर भी हमने फर्स्ट यूनिट को ही शुरू किया था। अभी तक उसके करीब 2 से 3 टॉपिक हमने देखे थे, तो वहां तक का एक बार मैं रिवीजन और वहां तक के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला था फ्राइडे के दिन, लेकिन उस दिन कुछ कारणों से क्लास जो है बीच में मुझे छोड़नी पड़ी। तो आज जो है हम जो कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, बहुत बहुत काम की ये क्लास है। बिल्कुल इसे मिस करने की गलती तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, जो MCQs है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो भी मैं करवाऊंगा। और तीसरी बात, जो अभी क्लासेस चल रही है, आपको पता है मैं डेली एक ही लेक्चर ले पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए भी थोड़ा समय की प्रॉब्लम रहती है, आप सबको पता है कि दिन को मुझे ऑफिस में रहना पड़ता है, शाम को जब समय मिलता है तब मैं क्लासेस लेता हूँ। तो अब मैं प्रोबेबली इस वीक से ये मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सेकेंड पेपर की भी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी जो मनी बैंकिंग और उनकी लेक्चर्स को, उनकी क्लासेस को सिस्टमेटिकली शुरू करूँ, ताकि अपना जो है अब सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। स्टूडेंट भी जो जुड़ना थे जुड़ चुके हैं, और भी साथी आ गए हैं और आते रहेंगे, लेकिन अब मेरे हिसाब से समय आ चुका है कि हमें थोड़ी चीज़ों को फास्ट करना चाहिए। बाकी एक चीज़ का अश्योरेंस मैं डे 1 से आपको दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ये पूरा मेरा अश्योरेंस है 100% मोर देन इनफ है, ठीक है। हो सकता है मैं कई चीज़ें क्लास के अंदर बहुत बेसिक होती है तो उनको मैं स्किप भी करता हूँ, मतलब कि भाई ये थ्योरी मार्शल ने दी, लेकिन आपको मैं साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप एक बार नोट से ज़रूर पढ़ें खुद से डेली बेसिस पे। तो वहाँ वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो दे रखी है, ठीक है। और हमने जो है एक वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो आपकी याददाश्त को टेस्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं EAFM के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप सब इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो परफेक्ट प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, ताकि 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी समय लगा उस समय के अंदर एक बार आपका सिलेबस पूरा हो और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो, ठीक है। चलिए तो एक बार क्विकली जो है मैं शुरू करता हूँ वापस से। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, नेचर और स्कोप के बारे में बात की, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन क्विकली जो है हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। मैं एक इसकी कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, ये रिवीजन जो हैंड रिटन नोट्स है आप देख सकते हैं, कंप्लीट जो है आपके लिए मैं तैयार करके लेके आया हूँ, और कोशिश करूंगा मैं इस तरह के आपको सारे जो टॉपिक है उनके हैंड रिटन नोट्स इस तरीके से समरी पर्पज से, रिविजन पर्पज से भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करूँ। इनके बीच में सफिशियंट स्पेस है ताकि वहाँ आप अपनी तरफ से चीज़ों को एड ऑन कर सको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट्स में और लगती है वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। चलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहली ये टर्म किसने दी? ये रॉगनर था, इसने ये टर्म दी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो फोकस्ड होता है किसके लिए? किसी इंडिविजुअल, किसी एक फर्म, किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक यूनिट की बात करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके स्कोप में, इसके दायरे में क्या क्या आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसके दायरे में क्या क्या चीज़ें आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, कौन सी डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, ये सब प्राइजिंग, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, सेल प्राइस तय करना हो गया, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वेलफेयर एस्पेक्ट, ठीक है, कि एक इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर स्टेट कैसे हासिल किया जाए, ये सारी बातें जो है वो कहाँ पे आती है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कि यहाँ जो है वो प्राइजिंग की बात होती है। प्राइजिंग की मतलब कि कोई प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्री, कोई मार्केट के अंदर इंडिविजुअल सेलर किस तरीके से अपनी प्राइजेस तय करेगा, किस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये कोई लेबर के लिए भी हो सकती है, कोई लेबर जो है उसको कितना वेजेस मिलेगा, कोई जमीन दे रहा है तो उसको रेंट कितना मिलेगा, तो ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। एक कंज्यूमर किस तरीके से सरप्लस ऑब्टेन करेगा, किस तरीके से अपनी
वेल्थ को खर्च करेगा, तो वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये इसके एरियाज के अंदर चीजें शामिल होती, बहुत बेसिक है, ठीक है, हमें पता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो यानी हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सबकी कंबाइंड बात करते हैं, किसी एक के लिए जो है यहाँ पे बात नहीं होती, तो एग्रीगेट में बात करते हैं टोटलिटी में कि पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ठीक है, पूरे बाजार के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो जनरल प्राइस का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मनी और क्रेडिट की सप्लाई कैसी है, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बात है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया नोट्स के अंदर आपको कुछ इकोनॉमिस्ट के स्टेटमेंट दे रखे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया है, चैम्बरलिन और एक दो और है, तो वो एक बार स्टेटमेंट आप जरूर अगर समय मिले तो देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने जिन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अल्फर्ड मार्शल, एनन हेक्स, एक स्लट्सकी करके आएगा, उसकी भी थ्योरी जो है वो कॉमनली देखेंगे, ठीक है। तो ये नाम तो हम जब इतनी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे कि हमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फर्ड मार्शल ने क्या कहा, एलन ने क्या कहा, हिक्स ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा कौन सा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ने एक उपभोक्ता किस तरीके से अपने डिसीजन लेता है, एक कंज्यूमर किस तरीके से अपने डिसीजन लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पूरा चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो ये मानते हैं कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, रैशनल होने का मतलब वो समझदार है और वो चाहता है क्या कि उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उन अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो उपलब्ध पैसे हैं, संसाधन है, उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है कि अधिक से अधिक उसको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो इसमें दो थ्योरीज पॉपुलर हमने देखी, पहली थ्योरी कौन सी, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच जो क्या कहती है, अल्फर्ड मार्शल ने ये थ्योरी दी, किसने, अल्फर्ड मार्शल ने, इसी को गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। ये गॉसेन भाई साहब जो है इनके दो लॉज है, हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत हिंदी में इसको कहते हैं। सुनिएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमने दो भागों में पढ़ा, पहली जो अप्रोच अल्फर्ड मार्शल के नाम से जानी जाती है, कार्डिनल अप्रोच, तो वो क्या कहती है, सिंपल बात कहती है कि हम जो है अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकते हैं, संख्या में बता सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, जिसको नाम दिया गया क्या, यूटिलिटी, क्या नाम दिया गया, यूटिलिटी। और ये क्या बात कहता है कि कोई एक उपभोक्ता एक के बाद एक, मान लो मैं हूँ एप्पल खा रहा हूँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मेरी जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हर अगले एप्पल के ऊपर कम होती जाएगी। पहले एप्पल से मुझे 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे में 10 से कम मिलेगा, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, और एक पॉइंट पे जाके ये जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव में भी चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक ही चीज बार बार जब कंज्यूम करते हो तो आपको उससे उतना मजा नहीं आता, ठीक है। तो क्या कहता है ये लोग, जैसे जैसे किसी वस्तु को कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। क्या अजम्पशन लेके चलता है ये लॉ, रैशनल है कंज्यूमर, यूटिलिटी को हम संख्या में बता सकते हैं, अगर संख्या में नहीं बता सकते तो फिर मेजर नहीं होगा, फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा, इनडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है हर वस्तु की, ये मानता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप देखोगे सिर्फ शक्कर की कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ दूध की कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ आटे की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो उसके साथ और चीज़ें जब मिलती है तब उस वस्तु की यूटिलिटी होती है, ठीक है। बट ये मान के चलता है कि हर वस्तु की अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है और हम उसे मेजर कर सकते हैं। फिर हमने देखा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल तो कुल होती है, मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, ठीक है, एक यूनिट एक्स्ट्रा से। इस लॉ का क्या महत्व है, तो हमने कहा कि जो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है, इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का ये जो सिद्धांत है, इसी के ऊपर हमारा जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बेस्ड है। अब सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से बेस्ड है इसके ऊपर, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सीमांत उपयोगिता, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, पहली यूनिट के बाद दूसरी में आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी, कम, तो वो आप कब खरीदोगे, जब उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी तभी खरीदोगे। तो मतलब कोई प्रोडक्ट अपना सस्ता करेगा तो जिनके लिए कम यूटिलिटी है वो भी अब उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे, समझ रहे हो आप बात।
भाई आप किसी चीज के लिए 10 रुपए दे रहे हो, रुपए तो कितने दे रहे हो 10, उससे यूटिलिटी मिल रही है 8, तो आप खरीदोगे नहीं, लेकिन यही 8 रुपए हो गए तो आप इसको क्या कर लोगे, खरीद लोगे। तो प्रोडक्ट जैसे जैसे सस्ता होगा लोगों की वो यूटिलिटी की रेंज में आएगा तो लोग उसको डिमांड करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमने जानी। फिर कंज्यूमर कब तक खरीदता है बताओ, तो हमने ये भी देखा कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 प्राइस भी 10, तो आप खरीदोगे। इससे आगे मार्जिनल यूटिलिटी तो 8 रह गई, प्राइस अभी भी 10 है, क्या खरीदोगे? नहीं, तो यहां तक आप खरीदोगे। ठीक है, और इससे ऊपर का जो पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, प्राइस 10 है, तो ये क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है, फायदा है, कि वो 20 रुपए तक देने को तैयार था लेकिन 10 में ही उसको वो प्रोडक्ट मिल गया। फिर नेक्स्ट हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। तो ये भी हमें पता है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और ये जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, मतलब घटती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है, इस लॉ के कुछ लिमिटेशन क्या सीमाएं हैं? पहली बात तो ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मानता है, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। पैसा आपके पास अगर कम होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे पैसा कम होता जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जबकि ये क्या कह रहा है, पैसों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पैसों की जो उपयोगिता है, वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, चाहे आपके पास 1 लाख है चाहे आपके पास 100 रुपए। ठीक है, दूसरा ये मानता है होमोजीनियस यूनिट, बहुत लॉजिकल है कि भाई जो सारी यूनिट एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हो वो सारी सेम होनी चाहिए, साइज में, शेप में, टेस्ट में अलग नहीं होनी चाहिए। फिर स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मतलब एक एप्पल खा रहे हो ऐसा नहीं, एप्पल के ही 10 पीस करके 1 बाय 1 पर कंज्यूम कर रहे हो, तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है तब आपको यूटिलिटी कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाए। कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, लगातार कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, प्रेस्टीजियस जो गुड्स होते हैं, महंगे सोना, हीरे जवाहरात, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है पहला तोला खरीदा तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा, दूसरे तोले में उतना मजा नहीं। प्रेस्टीजियस गुड्स के अंदर हमेशा ही सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, यूटिलिटी इंक्रीज ही होती है। और नेक्स्ट ये कंज्यूम करता है कि कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, हैबिट वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर कब तक अपने आप को संतुष्ट पाएगा, कब वो पैसे खर्च करना रुक जाएगा, तो जब हमने ये देख चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए, कि जितना वो पैसा दे रहा है उतनी ही उसको संतुष्टि मिल रही है, दोनों बराबर हो गए, वहां तक वो खरीदेगा, वहां जाके रुक जाएगा। क्लियर। सेकेंड अप्रोच हमने देखी कौन सी, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जिसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या होता है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये किसने दिया, एलन और हिक्स ने दिया, हिक्स की ये किताब है वैल्यू एंड कैपिटल। ठीक है, तो बेसिक फर्क आप समझिएगा, अल्फर्ड मार्शल ने तो क्या कहा कि आप सेटिस्फेक्शन यानी जो संतुष्टि मिलती है, जो उपयोगिता मिलती है, उसको यूटिलिटी को नंबर्स में बता सकते हो। इन भाई साहब ने, एलन और हिक्स ने जो थ्योरी दी, इन्होंने पूरा खारिज कर दिया कि यूटिलिटी संख्या में बताना, यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लेवल को बता सकते हो, उसके अमाउंट को नहीं बता सकते। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ज्यादा मजा आया, कम मजा आया, बिल्कुल कम आया, ये नहीं बता सकता, 5 आया, 10 आया, 15 आया, इसको मेजर नहीं कर सकता, अमाउंट में नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये काउंटर था किसको, अल्फर्ड मार्शल की जो थ्योरी थी उसको काउंटर अटैक किया इन्होंने, और कहा कि भाई आपकी थ्योरी में ये कमी है, आप संख्या में नहीं बता सकते। कंज्यूमर सिर्फ क्या कर सकता है, यूटिलिटी की अपनी जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, मतलब मुझे ये चीजें पसंद है, मुझे इसमें ज्यादा मिलता है सेटिस्फेक्शन, इसमें कम मिलता है, मैं सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकता हूँ। ठीक है, ये लॉ क्या अजम्पशन लेके चलता है, तो कंज्यूमर पहली बात तो अपना पूरा पैसा खर्च करना चाह रहा है। ठीक है, जो भी उसके पास अवेलेबल है, सभी गुड्स जो है वो एक जैसे हैं और डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबिलिटी, मतलब आप कितना भी खरीद सकते हो, एक भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, रैशनल होने का मतलब समझदार है। अब देखिए यहाँ दो चीजें ध्यान रखिएगा, रैशनलिटी को लेके कंज्यूमर की बात जब आए, तो एक होता है ये वर्ड नॉन सेटिटेशन, या जो भी है इसको प्रोनाउंस जो करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि
कि एक तरफ कंज्यूमर को पांच क्वांटिटी दे रहे हो, एक तरफ तीन क्वांटिटी दे रहे हो, तो कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा? ज्यादा को प्रेफर करेगा। किसको प्रेफर करेगा? ज्यादा को, क्योंकि ये बेसिकली माना जाता है कि भाई जितनी चीजें आपको ज्यादा मिलेगी सेटिस्फेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल कुल उपयोगिता, वो तो कहां ज्यादा होगी? जहां क्वांटिटी क्या है ज्यादा है वहां ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा ये अज्यूम करता है क्या? चॉइसेज आर ट्रांजिस्टिव, मतलब आपने कहा मैं ए को प्रेफर करूंगा किसकी बजाय? बी की बजाय। बी को प्रेफर करूंगा किसकी बजाय? सी की बजाय। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ए और सी में आप किसको प्रेफर करोगे? आपने कह दिया साहब इन दोनों में मैं सी को प्रेफर करूंगा, ये गलत हो जाएगा। भाई बी की बजाय आपने किसको प्रेफर दिया? ए को। और सी की बजाय किसको प्रेफर किया? बी को। तो ऑटोमेटिकली आप सी और ए में जब बात आएगी तो ए को प्रेफर करोगे, मतलब आपने जो एक बार चॉइसेस बताई आप उससे मुकर नहीं सकते, चॉइस जो है वो वैसी ही रहेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये वर्ड क्या है। ठीक है, तो इसका तो मतलब क्या है? जहां क्वांटिटी ज्यादा उसे क्या करेगा? वो प्रिफर करेगा। क्लियर? ठीक है, तो इंडिफरेंस कारो में अपने प्रेफरेंस बताता है कंज्यूमर। ठीक है, दो गुड्स होते हैं, दो वस्तु के वो क्या बताता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन, जो उसको क्या देते हो? बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हो, दो वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए लिया फूड और क्लोथ। उसने कहा मुझे 10 फूड दे दो, 1 क्लोथ दे दो, या 2 क्लोथ दे दो, 6 फूड दे दो, 3 दे दो, ये 4 दे दो, इन सब में मुझे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्वल इक्वल और इक्वल, तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन दो, पहला दो, दूसरा या तीसरा। क्लियर? ओके, तो ये अपनी कंज्यूमर चॉइसेस बता रहा है। अब ये जो कंज्यूमर की चॉइसेस है, ये उसके टेस्ट, उसकी आदत, हैबिट और उसकी प्रेफरेंस, क्या पसंद है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ये चीजें तय होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है दूसरे को भी वही पसंद आए, ये सब्जेक्टिव चीज है। प्रेफरेंस आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, जब कंज्यूमर अपनी ये प्रेफरेंस बता रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पहले ऑप्शन में 10 और 1, दूसरे में 12 और 2, तो जाहिर सी बात है इसमें फूड भी ज्यादा है, क्लोथ भी ज्यादा है, तो इसको प्रेफर करूंगा, तो क्या दोनों में बराबर सेटिस्फेक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी, फूड बढ़ेगा तो क्लोथ घटेगा, क्लोथ बढ़ेगा तो फूड घटेगा, तभी तो बराबर सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर? अब ये जो भी चॉइसेस यहाँ कंज्यूमर अपनी बता रहा है, उसमें कंज्यूमर ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, कंज्यूमर की क्या खुद की इनकम है, उसको ध्यान में नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी चॉइसेस बता रहा है। भाई अगर मेरे से पूछा जाए कि आप अपनी चॉइस बताओ, तो मैंने चॉइसेस रखी अलग अलग कि भाई सुबह में मेरे को ब्रेकफास्ट में ये और ये अगर दे दिया जाए, दिन में अगर मुझे ये और इसके साथ ये दे दिया जाए, इवनिंग में ये मिल जाए, पहनने को ये चीजें मिल जाए, तो मैं अपनी चॉइसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये चॉइसेस बता रहा हूँ तब मैं अपनी इनकम और उन चीजों की क्या कीमतें हैं, 2 रुपए से बढ़ गई कीमत, 3 रुपए से घट गई, तो मैं किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे दूं, किसी को कम दे दूं, वो मैं ध्यान में नहीं लेके आ रहा हूं। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं? अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूं। हो सकता है उनकी एक्चुअल प्राइस जो मैंने सोच के किया उससे बदल गई हो, कुछ और हो, तो उससे मेरी प्रेफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नोट मैंने लिखा है क्या कि जो कंज्यूमर की इनकम और वस्तुओं की प्राइस, कॉमोडिटी की प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जब कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस बता रहा है तो वो आय और कीमत पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब जो उसने इक्वल सेटिस्फेक्शन बताया उसको अपन अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से एक कर्व बनता है, ये कर्व, इसको क्या बोलते हैं? इन डिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको? इन डिफरेंस कर्व। यहाँ पे जो जो पॉइंट आ रहे हैं इस इनडिफरेंस कर्व पॉइंट पे,
सब जगह मुझे क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, क्लियर। दूसरी बात, ये इनडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, एक कंज्यूमर के चॉइसेस को प्रेजेंट कर रहा है कि उसकी चॉइसेस जहां उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनडिफरेंस कर्व बनेगा, ये पहली बात तो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्या होता है, तो नेगेटिवली स्लोप का मतलब होता है, आप यूं समझिए, ये इस तरह से जो बनता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये क्या शो कर रहा है, देखो मान लो इधर मैंने फूड रखा, इधर मैंने क्लोथ रखा, फूड मान लो 10 है, क्लोथ 1 है, तो अगर मुझे क्लोथ को बढ़ाना है, इसको 2 करना है, तो मेरा ऑटोमेटिकली देखिए फूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर फूड की क्वांटिटी नीचे आ रही। तो ये क्या शो कर रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जैसा डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व में भी कुछ ऐसा ही होता है, इधर प्राइस लिखते हो, इधर क्वांटिटी लिखते हो, ठीक है, और डिमांड कर्व ऐसा बनता है, ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी है, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। इसका विपरीत ऐसे भी हो सकता है कि ये प्राइस पे ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी भी बढ़ गई और बढ़ी, और तो ये पॉजिटिवली स्लोप, क्लियर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिमाग के अंदर चीजें याद रहे, भूलो नहीं। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। दूसरा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ये तो हमें दिख ही रहा है, राइट की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड होते हुए, देखिए ये राइट है, ये इधर जा रहा है, क्लियर। तो यही सेम दो प्रॉपर्टीज हमें किसकी देखने को मिलती है, डिमांड कर्व की भी यही दो सेम प्रॉपर्टीज होती है जो इनडिफरेंस कर्व की है। नेक्स्ट, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन की तरफ झुकाव है इसका, जहां से कर्व शुरू होता है उसकी तरफ ये झुका हुआ होता है। और उसका कारण है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को किस दर से बदला जा रहा है, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, उस वजह से सामान्यतः डिमिनिशिंग होती है, इस वजह से ये कॉन्वेक्स होता है। वहीं अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते कोई दो गुड्स, तो ये कॉन्स्टेंट भी हो सकता था MRS, ठीक है। नेक्स्ट, हमने देखा दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में कट नहीं करेंगे, हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। भाई ऐसे इंडिफरेंस कर्व आपने बनाया एक और दो, तो ये जो ऊपर है उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दो इंडिफरेंस कर्व बराबर दूरी पर हो ये जरूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते वो। ये एक इंडिफरेंस कर्व है, यूं हो सकता है यहां दूरी कम हो यहां दूरी ज्यादा हो, बट एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कट करने से तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे बराबर सेटिस्फेक्शन, जो संभव नहीं। नेक्स्ट, एक और प्रॉपर्टी में बता देता हूं, क्या ये किसी एक्सिस को टच कर सकता है, एक्स एक्सिस या वाई, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दो गुड्स तो जब आपको लेने हैं दो गुड्स, तो जीरो तो कोई हो ही नहीं सकता, तो क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसा कभी होगा कि यहां टच करे, टच करने का मतलब यहां ये वाली क्वांटिटी आपने जीरो ले ली, तो जीरो तो हो नहीं सकते, दो गुड्स लेने हैं आपको, कम से कम एक क्वांटिटी तो आप रखोगे ही रखोगे, तो जीरो नहीं होगा, तो ये टच भी नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, हमने देखा बजट लाइन, बजट लाइन क्या होता है, कोई कंज्यूमर अपने उपलब्ध बजट के अंदर कोई दो वस्तु कितनी खरीद सकता है, तो इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप बहुत इजी सी बात है, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो, एलन और हिक्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई एक कंज्यूमर से हम खूब सारी चॉइसेस पूछेंगे, उसने खूब सारे अपने इनडिफरेंस कर्व बता दिए 1 2 3 4, ठीक है, फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, बजट लाइन इंट्रोड्यूस की। और अब ये बजट लाइन इस इंडिफरेंस कर्व 1 को यहां टच कर रहा है, 2 को भी टच कर रहा है और 3 को भी टच कर रहा है, कहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो देखिए कंज्यूमर क्या चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहूं,
ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा? आईसी नंबर 5 के ऊपर। लेकिन क्या वहां पहुंचना संभव है? इतना हमारे पास बजट नहीं है। क्या 4 पे पहुंचना संभव है? नहीं। 3 पे? यस, 3 पे पहुंचना संभव है। तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इन डिफरेंस कर्व से। टेंजेंट का मतलब छू कर निकल रही है। देखिए ये प्राइस लाइन, ये इन डिफरेंस कर्व को सिर्फ टच मात्र करके निकल रही है, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व को छू के निकल रही है, कट नहीं कर रही है। दूसरा, आईसी उस पॉइंट पे जो इन डिफरेंस कर्व है उस टेंजेंसी पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब वहां उसका वो मुड़ाव होना चाहिए। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। ये मान लो मेरी बजट लाइन है, ठीक है। अब एक तो ये इंडिफरेंस कर्व है, क्या यहां कहीं इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर आप जा सकते हो अभी तो। क्या यहां होगा? ये टच नहीं हो रही है तो यहां तो पहुंच नहीं सकते आप अपने बजट में। अब मान लो एक ये पॉइंट आ रहा है, बताओ क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। अभी हम और हायर जा सकते हैं, ठीक है, अभी हम और हायर जा सकते हैं। अब मान लो ये सिर्फ छू भर के मात्र जा रहा है, ये इस तरीके से इंडिफरेंस छू तो रहा है लेकिन ये टेंजेंसी के पॉइंट पे कॉन्वेक्स यहां पे है। ये थोड़ा मेरा प्रॉपर नहीं बन रहा है, कर आप यूं समझ लीजिए। यहां छू तो रहा है लेकिन टेंजेंस ये कॉन्वेक्स यहां पे है, तो यहां भी आपको नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि कोई और इससे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व हो सकता है जो यहां सिर्फ छू के जाए, जो इससे ऊपर और हायर हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई अपना पर्पज क्या है? अपने बजट के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे जाना। तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए जिनको हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कहते हैं। बात वैसे आपके समझ में आ चुकी है, बट ये ध्यान होना चाहिए हमें कि पहली बात, जो इनडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन जहां टेंजेंसी होती है, मतलब जहां टच कर रहा है प्राइस लाइन, टेंजेंट होनी चाहिए इनडिफरेंस कर्व। और दूसरा, इनडिफरेंस कर्व उस पॉइंट पे कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब वहां उसका वो झुकाव वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। जब ये दो कंडीशन पूरी होगी तब हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब वो अपने उस बजट के अंदर, ये देखिए ये कंज्यूमर का बजट है, बजट लाइन, इस बजट लाइन के अंदर अधिकतम सेटिस्फेक्शन पे वो पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? तो कंज्यूमर सरप्लस आप जानते हो, किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर कितना पैसा देने को तैयार है। ये निर्भर करता है किसके ऊपर? उसकी सीमांत उपयोगिता पे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पे। भाई मुझे प्यास लगी है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी है तो मैं कितना भी पैसा देना को चाहूंगा। माइनस जो वास्तविक प्राइस उसको पे करनी पड़ रही है, एक्चुअल प्राइस। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? जितना पैसा मैं देने को तैयार था और एक्चुअल प्राइस। ये मेरा ये कंज्यूमर का क्या है? सरप्लस है। जैसे ये 50 रुपये देने को तैयार था, एक्चुअल में पानी की बोतल इसको 10 में मिल गई, तो ऐसा माना जाता है कि 40 रुपये का उसको एक हाइपोथेटिकली फायदा हो गया, एक मन के अंदर उसको सरप्लस प्राप्त हो गया, फायदा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ एक छोटी सी चीज जो है वो हमें और पढ़नी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये गोसेन का सेकेंड लॉ है, तो इसको मैं लास्ट के अंदर पढ़ाऊं, ठीक है, छोटा सा ये। नेक्स्ट हमने देखा क्या? डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस बहुत इजी सा टॉपिक था। डिमांड क्या होती है बताओ? डिजायर, और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए पैसा। डिमांड जो है वो हमेशा एक गिवन प्राइस और समय के ऊपर दी जाती है कि इतने रुपए पे इतनी डिमांड होगी इतने समय के अंदर, ठीक है। डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उस वस्तु की कीमत, फिर कंज्यूमर की आय, फिर कंज्यूमर का टेस्ट, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर
फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की प्राइस भविष्य में बढ़ने वाली है घटने वाली है, उससे भी डिमांड जो है वो प्रभावित होती है। तो ये फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो ये प्राइस फिर इनकम और इन सब फैक्टर्स को मिला के होता है। मार्केट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड सभी कस्टमर्स की आप जोड़ लीजिए तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी, अकेले कस्टमर की है तो वो क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड होगी। नेक्स्ट डिमांड कर्व और उसका स्लोप याद कीजिए, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट नेगेटिवली स्लोप, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये नेगेटिवली स्लोप होता है। प्राइस और डिमांड दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है। हमने कहा ना कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, यहां प्राइस है यहां क्वांटिटी है, तो ये डिमांड कर्व कुछ ऐसा है, ये क्या शो कर रहा है, एक क्वांटिटी एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है, दोनों में इनवर्स उल्टा रिलेशन शो करता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हमने देख रखा है लॉ ऑफ डिमांड कहता है बाकी सभी चीजों को आप क्या मानो, स्थिर कॉन्स्टेंट मानो, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होगी, घटेगी, और प्राइस अगर घटी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ये सिंपल सी बात कहता है कौन, हमारा लॉ ऑफ डिमांड, क्लियर। अब इस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या कारण है, ये किस तरीके से काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है, क्या कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या प्राइस कम होती है तो डिमांड क्यों बढ़ती है। तो पहली चीज तो हमने पढ़ी क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक मेजर कारण है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था, क्या कि उपभोक्ता तभी ज्यादा खरीदेगा जब वस्तु की कीमत कम होगी, कीमत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हर अगली वस्तु से उसे कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, कि भाई पहली वस्तु से 10 मिल रही है तो दूसरे में 8 ही मिल रही है उपयोग, तीसरे में 6 ही मिल रही है, तो उपयोगिता कम हो रही है, तो वो खरीदेगा तभी जब उसकी प्राइस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे कीमत कम करोगे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एक तो कारण ये है। दूसरा लॉ ऑफ डिमांड के पीछे काम करता है क्या, प्राइस इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है सुनिएगा, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई फूड है, उसकी रेट जो है ₹10 है, और उस पे 10 पे वो उसकी 100 क्वांटिटी जो है वो डिमांड होती, बर्गर है समोसा है कुछ भी है ₹10 में मिलता। अब समझिएगा, मान लो इस ₹10 की कीमत जो है वो घट के कितनी रह गई, ₹5 रह गई, अभी प्राइस कितनी होगी, प्राइस चेंज हो गई, सस्ता हो गया, गिर गई और ₹5 रह गई। तो अब इसके दो इफेक्ट होंगे, ये जो कीमत कम हुई इससे दो इफेक्ट होंगे। मान लो एक कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, वो महीने के ₹100 कमाता है, फॉर एग्जाम्पल ₹100 कमाता है, और वो उस 100 के अंदर से ₹50 खर्च करता है, मतलब ये 10-10 वाले 5 बर्गर खरीद के ₹50 उस पर खर्च करता है, और ₹50 ये बाकी चीजों पे खर्च करता हो, ठीक है। अब जैसे ही इसकी कीमत कम हुई, इस फूड की कीमत कम हुई, तो इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसके दो कारण। पहला क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब जानते हो, कि जो इससे रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट जो इससे सब्स्टिट्यूट है, जो इसकी जगह काम आ सकते हैं, मान लो कोई इस समोसे की जगह कोई दूसरा फूड है, वो भी कितने में मिल रहा है, ₹10 में मिल रहा है, तो कुछ कस्टमर तो ये डिमांड कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स वो डिमांड कर रहे हैं, मिर्ची बड़ा खा रहे हैं, लेकिन अब ये समोसा अपना कितने का हो गया, सिर्फ ₹5 का रह गया, तो क्या होगा, कुछ जो लोग मिर्ची बड़ा खा रहे थे ₹10 में, अब वो देखेंगे यार ये तो ₹5 का हो गया, तो वो अपनी कॉमोडिटी की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, इस समोसे को रिप्लेस कर देंगे, वो भी अब क्या खाने लग जाएंगे, समोसा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है, तो लोग क्या करते हैं, कोई इसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसको छोड़ के इसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत बेसिक सी बात है,
चाय और कॉफी है, चाय महंगी हो गई या चाय सस्ती हो गई? चाय सस्ती हुई तो कॉफी वाले छोड़ के चाय पे आ जाएंगे, भाई चाय सस्ती मिल रही है तो अब वो भी चाय पियेंगे। क्लियर? ओके। अब सुनिएगा, दूसरा इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब भाई जैसे ही 100 रुपये उसकी इनकम थी, 10 रुपये में मिल रहा था, 5 खरीद रहा था, अब ये 5 रुपये में हो गया, 5 खरीद रहा है, तो उसका पैसा खर्च कितना हुआ? 25। पीछे बच कितना गया? 75 रुपये। इफेक्टिवली इस कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई? इंक्रीज होगी। इनकम क्या हो गई? बढ़ गई 25 रुपये से रातों रात। पहले 50 रुपये ही बच रहे थे, अब 75 बच रहे। तो जब इनकम बढ़ी तो ये अब क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। डिमांड क्या करेगा? जाहिर सी बात है, ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। किसके पीछे? लॉ ऑफ डिमांड के पीछे। ठीक है, क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये दो इफेक्ट होते हैं। आई होप क्लियर है यहां तक। हाँ, तो इनकम इफेक्ट, जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी उसकी इनकम एक तरह से बढ़ गई, तो इस वजह से वो क्या खरीदता है? ज्यादा खरीदता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? किसी वस्तु की प्राइस कम होती तो कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट की जगह दूसरे किसी जिसकी कीमत कम हुई है उससे ज्यादा खरीदेंगे। फिर दो प्रोडक्ट एक सस्ता हो गया तो ये छोड़ के ये भी इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दो कारणों से कम्युलेट होके प्राइस इफेक्ट बनता है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनकम इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब भाई इनकम बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो इनकम बढ़ेगी, तो हमेशा उसका इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको, मतलब आपकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्सेप्ट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा कि जैसे ही इनकम बढ़ी तो आप उल्टा इंफीरियर को तो कम खरीदोगे, हमने देखा था ना गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स, वहां आप उल्टा कम खरीदते हो, तो वहां नेगेटिव इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो इनकम इफेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब प्राइस आपकी बढ़ी तो डिमांड क्या होगी आपके प्रोडक्ट की? कम होगी, और दूसरा अगर प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब उल्टा रिलेशन। क्लियर? अब इसी हिसाब से डिमांड कर्व के भी तीन पार्ट। अच्छा, ये जो थ्योरी है प्राइस इफेक्ट, और इसको दो भाग में बांटा गया, प्राइस इफेक्ट दो चीजों से मिलके बनता है, कौन कौन सा? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये किसने कहा? ये दो लोग थे, एक तो एलन और हिक्स में से हिक्स ने कहा, एक ये स्लट्स की है, इन्होंने भी ये थ्योरी दी थी, लेकिन इन दोनों ने कुछ चीजें अज्यूम की थी वो अलग अलग है। स्लट्स की ने ये माना कि परचेजिंग पावर को उन्होंने फिक्स मान लिया, मतलब जो इनकम वाला इफेक्ट है उसको इन्होंने कॉन्स्टेंट मान लिया, और हिक्स ने यूटिलिटी को क्या मान लिया? फिक्स मान लिया, अज्यूम कर लिया। क्लियर? आप दिमाग में से सारी बातें निकालो, बेसिक सी बात ध्यान रखो, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या वजह होती है, कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है, प्राइस बढ़ने पे घटने पे डिमांड क्यों बढ़ती है और घटती है, क्यों इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहला कारण तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा प्राइस इफेक्ट, उस प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। तो उसके अंदर दो लोगों ने अलग अलग बातें बताई, एक स्लट्स की था, एक हिक्स था। हिक्स ने यूटिलिटी, जिसने मार्जिनल सॉरी इनडिफरेंस कर्व की थ्योरी दी, उसने यूटिलिटी को फिक्स माना, इसने परचेजिंग पावर यानी इनकम को फिक्स माना है। तो तीन तरह के डिमांड कर्व बन गए, एक तो जो हम नॉर्मल डिमांड कर्व पढ़ते हैं मार्शल ने जो बताया है लॉ ऑफ डिमांड वाला, एक स्लट्सकी का डिमांड कर्व और एक हिक्स का डिमांड कर्व। ठीक है, तीनों डिमांड कर्व ऑलमोस्ट एक जैसे ही, क्योंकि तीनों बात एक ही कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के केस में क्या होता है बताओ? प्राइस घटती है तो डिमांड घटती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो यहां डिमांड कर्व का पॉजिटिव स्लोप होता है। बाकी सारे डिमांड कर्व कैसे होते हैं? नेगेटिव स्लोप के, यहाँ पॉजिटिव स्लोप। तो एग्जाम में पूछा जाए कि पॉजिटिव स्लोप कहाँ होता है, कौन से डिमांड कर्व में, तो पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद के रूप में पढ़ते हैं हम किसको? गिफन गुड्स को। दूसरा स्नो अपील, आप देखते ही हो कि क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप में
यूनिक होती है, स्टेटस सिंबल होती है, तो वो महंगी है, इसी वजह से चलती है। तो वहां पे आपको लॉ ऑफ डिमांड जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। फिर स्पेकुलेशन, शेयर सिक्योरिटीज महंगे होते हैं तो सब खरीदते हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स का मनोवैज्ञानिक कुछ बायसनेस भी हो सकती है कि वो पुराने माल को नहीं खरीद रहे हैं, सेल के अंदर नहीं खरीदते हैं, न्यू अराइवल्स में खरीदते हैं, ऐसे कुछ धारणा है, तो वहां महंगा सस्ता वो नहीं देखते, ठीक है। ये सब में नहीं होता, कुछ एक में हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट हमने देखा चेंज इन डिमांड, तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो प्राइस की वजह से जो चेंज आता है तो उसको तो हम बोलते हैं मूवमेंट या एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन, और एक अदर फैक्टर्स लाइक इनकम टेस्ट और उनकी वजह से तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व या इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन कितना है, तो इसमें तीन चार तरह की इलास्टिसिटी हम देख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में कितना, इनकम की वजह से डिमांड में कितना, और एक प्रोडक्ट की प्राइस का दूसरे की डिमांड में कितना प्रभाव। इसको मेजर करने के लिए तीन मेथड है, फर्स्ट परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो वो, तीसरा पॉइंट या जियोमेट्रिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी के हमने अलग अलग वैल्यूज हमें मिल सकती है, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक यानी जीरो, एक लेस देन वन, एक वन, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। वहीं मार्शल ने तीन तरह की इलास्टिसिटी बताई है, ये तो हम एक्चुअल में परसेंटेज से निकालते हैं तो इस तरह की वैल्यूज आती है, मार्शल ने सिर्फ तीन ही बताई है, यूनिट इलास्टिसिटी यानी वन, एक होती है इलास्टिक डिमांड यानी ग्रेटर देन वन, जिसको उन्होंने रिलेटिवली इलास्टिक भी बोला है, तीसरा इन इलास्टिक डिमांड यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी लेस देन वन। इन्होंने तीन ही बताया है, वन, मोर देन वन और लेस देन वन, क्लियर। दूसरा मेथड है कौन सा, टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे तीन तरह की वैल्यूज आपको देखने को मिलती है, इलास्टिसिटी वन है कब, जब प्राइस के घटने या बढ़ने से उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये हमने समझा था। दूसरा इलास्टिसिटी एक से ज्यादा, जब प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम ज्यादा हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। और तीसरा इलास्टिसिटी लेस देन वन, प्राइस घटने पर टोटल खर्चा कम हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर टोटल खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। जियोमेट्रिक मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी, तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है डिमांड कर्व के ऊपर, मान लो इस पॉइंट पे, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, क्लियर। प्राइस इलास्टिसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो जीरो होगी, वन होगी, मोर देन वन होगी, ये कैसे तय होता है, तो ये डिपेंड करता है पहली बात तो नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर, कि आप किस तरह की वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो एसेंशियल आइटम है, जो क्या है एसेंशियल आइटम है, वहां बताओ इलास्टिसिटी कैसी होगी, जीरो या बिल्कुल लो होगी, इनइलास्टिक होगी, क्यों, नमक, दवाइयाँ, ये चीज़ें तो आपको खरीदनी खरीदनी, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, यहाँ ज़्यादा इलास्टिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जो कंफर्ट्स है, जो कंफर्टेबल चीज़ जिंदगी बनाने के लिए चीज़ें होती है, वहाँ इलास्टिक होती है, अगर महंगा होगा तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे, बाद में खरीदोगे, सस्ता हो गया तो खरीद लोगे, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड कैसी होगी बताओ, इलास्टिक होगी, क्यों, चाय का सब्सटीट्यूट कॉफी अवेलेबल है, चाय अगर बहुत ज्यादा महंगी हो गई, सस्ती हो गई, तो क्योंकि इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उस वजह से कंज्यूमर तुरंत उस पर चले जाएंगे, तो यहाँ डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। अगर किसी का नहीं है सब्सटीट्यूट तो इन इलास्टिक, कोई दूसरा उपाय नहीं है, वही दूध की जगह दूध ही काम आएगा। इनकम का लेवल क्या है, आप हाई इनकम ग्रुप में हो तो आपके लिए सारी चीजों की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता गेहूं कितने मिल रहा है, आटा कितने मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक कितने मिल रही है, चाय कितने मिल रही है। लेकिन लो इनकम ग्रुप में हो तो आपकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। वस्तु की खुद की कीमत का क्या लेवल है, जैसे कोई सस्ती माचिस की डिब्बी, नमक हो गया, ये इतने इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के हैं कि यहाँ अगर 50 पैसे बढ़ गए घट गए तो इनकी इलास्टिसिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहीं अगर सिग्निफिकेंट प्राइस है तो वहां इलास्टिक होगी डिमांड। नंबर ऑफ यूजेज, अगर किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेज है, बहुत ज्यादा यूजेज है, तो वहां इलास्टिक होगी डिमांड, क्योंकि सस्ता होगा तो आप अपने यूजेज को बढ़ा लोगे, दूध सस्ता हुआ तो दही भी जमा रहे हो, घी भी बना रहे हो, छाछ भी बना रहे हो, सब काम में ले रहे हो, मल्टीपल यूज है
और महंगा हो गया तो यूज कम कर दोगे। तो मल्टीपल यूजेज है इलास्टिक है, सिंगल यूज है, नमक सिर्फ सब्जी में डालने काम आता है, तो टोटली कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। ऐसा तो नहीं नमक सस्ता हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा खरीद लो और सब जगह नमक डाल रहे हो, वो हो नहीं सकता। और नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना हिस्सा है, एक्सपेंडिचर का बहुत छोटा सा हिस्सा किसी चीज़ पे खर्च हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो महंगा हो जाए सस्ता, एक्सपेंडिचर अपने टोटल खर्चे का मेजर हिस्सा किसी चीज़ पे खर्च हो रहा है तो वहाँ मायने रखता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या देखते हैं, इनकम में चेंज से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें 3, 4 डिग्रीज, 5 डिग्रीज होती है। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटी मतलब मोर देन वन, जितना चेंज आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है। लेस देन वन कि इनकम तो 10% से बढ़ी, ये 5% से बढ़ रहा है। जीरो, इनकम 10% से बढ़ी, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम बढ़ रही है उल्टा और डिमांड कम हो रही है। डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा कब होगा बताओ, ये लिखा हुआ है, सोचो कब होगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, कब देखने को मिलेगी। अरे इन्फीरियर गुड्स के अंदर भाई इनकम बढ़ेगी तो आप उनको छोड़ो, अब तो महंगी चीजें खाएंगे, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, चाहे कि प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोग चाय छोड़ के कॉफी भी चले जाएंगे, चाय महंगी होगी, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है। वही कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा आप खुद सोच लीजिएगा, यहाँ इनवर्स रिलेशन होगा। मान लो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप खुद सोचिए, पेट्रोल और कार, ठीक है। एक होता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कि एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया उससे सेल कितनी बढ़ी, ठीक है। एक होता है आर्क इलास्टिसिटी, बेसिकली कुछ नहीं है, जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, इलास्टिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करते वक्त क्या करेंगे, मान लो पहले डिमांड 10 थी, अब कितनी हो गई, 15 हो गई, तो हम क्या करेंगे, कोई 5 का परिवर्तन आया कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100, तो परसेंटेज आएंगे। अब नीचे 10 रखने की बजाय नीचे 10 प्लस 15 का एवरेज ले लो आप, तो ये आर्क इलास्टिसिटी हो जाएगा। बस कुछ नहीं, परसेंटेज जब कैलकुलेट करो तब एवरेज पर निकालना, 10 और 15 पहले क्या थी बाद में क्या थी, दोनों के एवरेज के ऊपर कितना चेंज आया, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज मतलब ऐसे बाहरी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिनका लॉ ऑफ डिमांड में कहीं जिक्र नहीं है, बाहरी कुछ अलग ही फैक्टर है जो आके किसी भी वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ दो इफेक्ट हमने पढ़े थे, बैंडवैगन इफेक्ट और स्नोब और वेबलेन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड किसी दूसरे को देख के अराइज हो जाती है, मैंने पड़ोसी को देखा, किसी फिल्म स्टार को देखा, एग्जाम्पल भी लिया था वो कबीर सिंह वाला चश्मा खूब चला था, क्यों, एक मूवी के अंदर आ गया तो लोग देखा देखी करते। स्नोब और वेबलेन इफेक्ट खुद को रिच या स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, जैसे रोल्स रॉयस की कार हो गई या ऐसा आईफोन हो गया, इस तरह की चीजें, क्लियर। तो ये यहां तक चीजें हमने जो है वो देखी थी, पढ़ चुके हैं एक्चुअली। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, अलग अलग मार्केट कंडीशन में क्या प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होती है, बहुत इजी है। और लास्ट हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने कॉम्पिटिशन के आधार पर 4 तरह के मार्केट देखे थे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इन दोनों को क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों रेयरली पाए जाते हैं, ऐसा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। परफेक्ट कंपटीशन, खूब सारे बायर, खूब सारे सेलर्स, एक जैसा प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, ठीक है, कोई सेलिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं, तो मार्केट प्राइस तय करता है डिमांड और सप्लाई मिलके। और इंडिविजुअल सेलर क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, वो जो मार्केट ने तय किया उस प्राइस पे चाहे जितना बेच सकता है, ठीक है। यही रेवेन्यू कर्व है इसका, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड कर्व, यही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब किस लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए हमेशा दो शर्तें देखते हैं कि आपको तब तक चीजें बनानी है जब तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट, मतलब किसी 1000 बना दी, 1000 एक भी बनाने की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए, और उससे बेचने से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू 10 रुपए,
ये दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक आपको बेचना। इससे आगे जाओगे तो कॉस्ट तो लगेगी 11, रेवेन्यू मिलेगा 10, तो नुकसान नहीं करना है। एक यूनिट ये एक्स्ट्रा बनाई, इससे एक रुपए का घाटा हुआ, इससे आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो एक रुपए से कम हो गया, तो ऐसा काम नहीं करना। कब तक मैन्युफैक्चर करना है, तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन हमेशा हम देखते हैं, पहला मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट का नीचे से ऊपर की ओर कट करे। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर, यहां से तो इस पॉइंट पे, क्लियर, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये यहां बराबर हो रहे हैं, तो मतलब ये इतनी क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चर करनी है। अब इस क्वांटिटी पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, वो देखने के लिए इस क्वांटिटी पे मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या है और एवरेज कॉस्ट क्या है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में तीनों चीजें हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों हो सकता है, ये हमने समझा था। लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि फ्री एंट्री एग्जिट है, कि भाई अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो दूसरे लोग आ जाएंगे, और लॉस में रहेगा तो कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, तो लॉन्ग रन के अंदर आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। सेकंड देखा हमने कौन सा, मोनोपोली, सिंगल सेलर होता है, खूब सारे बायर्स होते हैं, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, वही प्राइस मेकर होता है, वही प्राइस टेकर होता है, खुद ही बनाता है प्राइस। तो रेवेन्यू कर्व इस तरीके से होता है, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू की हमने बात पढ़ी थी, कि इस तरह की फर्म को जैसे नॉर्मल कंपनी का होता है वैसे ही, अगर ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की नहीं, कि सीधी लाइन है, 10 रुपये पे चाहे जितना बेच दो। तो इक्विलिब्रियम के लिए सेम कंडीशन है यहाँ भी। ठीक है, फिर एक चीज हमने पढ़ी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि आप एक ही वस्तु के लिए दो अलग अलग रेटें चार्ज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट रेट पे बेच रहे हो, जैसे बिजली घरेलू उपभोक्ता को अलग मिलता है, व्यवसायी को अलग मिलती है, तो इसके लिए जरूरी शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जब आप पहली बात तो मार्केट को दो कैटेगरी में बांट सको, सब मार्केट में, कि एक तो ये मार्केट है घरेलू उपभोक्ता, एक ये व्यवसायी, फिर दोनों में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कि दोनों में इलास्टिसिटी सेम है, मतलब भाई जहां आप रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हो वहां डिमांड कैसी होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिजली कंपनियां बिजनेस वालों से, कॉमर्शियल से ज्यादा लेती है बिजली रेट, तो उन्हें पता है बिजली कंपनी को कि इनकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, इनको तो बिजली लेनी ही लेनी है, खुद की जेब से तो लग नहीं रहा, ये तो आगे कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, तो ये भले महंगी भी बिजली देंगे 2 रुपए, ये तो खरीदेंगे, लेकिन एक घरेलू उपभोक्ता डोमेस्टिक कंज्यूमर को अगर महंगी देंगे तो वो अपना यूज कम कर देगा, डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मार्केट को दो कैटेगरी में बांटो, और दोनों में इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, जहां इलास्टिक डिमांड है वहां तो क्या रखेंगे कीमत कम, इलास्टिक होने का मतलब फ्लेक्सिबल है, रेट बढ़ाई तो ये लोग भग जाएंगे, जहां इन इलास्टिक डिमांड है कि भाई इनको फर्क नहीं पड़ता, वहां रेट आप क्या रखोगे, ज्यादा रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, रीसेल की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, और आपका सप्लाई के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने रेट बढ़ाई तो वो डिस्काउंट छोड़ के कहीं और से बिजली खरीद रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है बताओ, ताकि कंज्यूमर के सरप्लस को प्रॉफिट में बदलना, भाई एक व्यवसायी बिजनेस जो है वो 10 रुपए प्रति यूनिट देने को तैयार है, आप घरेलू कस्टमर्स को बिजली बेच रहे हो 4 रुपए प्रति यूनिट, तो उनको 4 में देने का क्या मतलब, वो जब 10 तक देने को तैयार है, तो ये जो 6 रुपए का गैप है, ये कंज्यूमर के सरप्लस को क्या करना, अपना प्रॉफिट बनाना। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि सरप्लस स्टॉक को बेचना, ज्यादा स्टॉक है तो सस्ते में बेच दिया, जहां जो लोग खरीदने की संभावना है, फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए रेट अलग रह सकते हो। फिर हमने देखा ये प्रोफेसर पिगो, इन्होंने जो है 3 डिग्री बताई इलास्टिसिटी की। ठीक है, थर्ड जो डिग्री होती है जिसके अंदर आप कंज्यूमर्स को प्रॉपर लोकेशन के हिसाब से या एज के हिसाब से सेगमेंट में बांट देते हैं, वो थर्ड डिग्री, फिर सेकंड डिग्री और फिर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब कंज्यूमर का जितना भी सरप्लस दिख रहा है वो आप ले लो, मतलब आपने कोई कैटेगरी नहीं बना रखी है, आपको लगता है कि यार ये ज्यादा पैसे देने को तैयार है तो इसको ज्यादा में बेच दो, ये कम देगा तो इसको कम में बेच दो, कोई कैटेगरी नहीं बना रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसमें हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक में खूब सारे सेलर बाहर होते हैं, सबका अपना अपना ब्रांड वैल्यू होता है, यहाँ एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है, ये सबसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राइस कौन तय करता है, खुद ही तय करता है, यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ध्यान दीजिएगा,
कभी आपने लक्स और पियर्स को प्राइस के ऊपर लड़ते देखा कि मैं 15 में दे रहा हूँ, मैं 14 में दे रहा हूँ? नहीं, वो ब्रांड के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में वही MR = MC और वही सेम शर्तें यहाँ भी लागू होती। नेक्स्ट ओलिगोपोली, कुछ ही सेलर्स होते हैं जैसे टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जियो वोडाफोन, ठीक है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं ओलिगोपोली के, प्योर या परफेक्ट, डिफ्रेंशिएटेड या इम्परफेक्ट, ओपन मतलब जहाँ कोई भी और नया प्लेयर आ सकता है, क्लोज जहाँ नए एंट्री नहीं है, कॉलेजियो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ भी होती है, यहाँ डिमांड कर्व आप तय नहीं कर सकते, ठीक है। डिमांड कर्व तय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या प्राइस रखोगे और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, उसने भी अगर सेम प्राइस कर दी तो आपके प्राइस कम करने का कोई फायदा नहीं मिला, आपकी डिमांड बढ़ी नहीं। आपने प्राइस बढ़ाई तो उसने फॉलो नहीं किया तो उल्टा नुकसान हो गया। तो यहाँ ग्रुप बिहेवियर होता है, तो यहाँ डिमांड करो जो है वो तय नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा प्राइस लीडरशिप क्या होती है, प्राइस लीडरशिप क्या होती है, तो हमने ये देखा कि एक बड़ी फर्म जो है डोमिनेंट फर्म वो प्राइस तय करती है, बाकी जो छोटी साइज की फर्म है उसको फॉलो करती है। इसमें एक तो स्टेटस होती है जियो और जीने दो कि भाई ऐसी प्राइस तय करें, कोई बेचारे ये मरने नहीं चाहिए। दूसरा होता है कि उनको कलाकार प्रतिस्पर्धा चल रही है, ऐसी रेट तय करूँ ताकि कोई उसको फॉलो नहीं कर सकती। एक होता है बारोमेट्रिक प्राइस, मतलब जो सबसे पुरानी और बड़ी फर्म है वो सब की पूरी इंडस्ट्री के लिए भला सोच के जो है वो डिसीजन लेती है, रेट तय करती है। फिर नेक्स्ट किंक्ड डिमांड कर्व देखा, मतलब डिमांड कर्व जो बीच में से किंक है, मुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप जाओगे तो इलास्टिक है डिमांड, कैसी है, इलास्टिक है। नीचे जो है वो इन इलास्टिक है। ये थ्योरी दी पॉल स्विजी करके, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इनका ये कहना था कोई ओलिगोपोली फर्म, ओलिगोपोली मतलब दो चार फर्म ही है उस मार्केट के अंदर, अगर उसने कीमत कम की तब तो बाकी वाले भी कम कर देंगे, और कम करने की वजह से उसको जो डिमांड में फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा मिलेगा नहीं। क्यों, कम की भाई, आपने कीमत कम की, आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स ने भी कम कर दी। जियो ने पैक जो है वो अपना 250 से मान लो 150 किया, तो बाकी सब ने भी 150 कर दिया, तो जियो को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस पॉइंट के अगर ऊपर जाओगे आप, आपने रेट 250 से बढ़ा के 300 कर दी, तो बाकी वाले आपको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी डिमांड जो है वो अचानक से कम जरूर हो जाएगी। तो इसके ऊपर तो है इलास्टिक डिमांड, नीचे है इन इलास्टिक डिमांड, बीच में क्या है, ये मुड़ा हुआ है किंग्ड, ठीक है। ये डिमांड कर्व जो है उसका शेप तय होता है किससे, इलास्टिसिटी से। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिमांड कर्व होता है ये कैसा डिमांड कर्व है, ये वन वाला डिमांड कर्व, जहां इलास्टिसिटी परफेक्ट वन है, जितना इधर बढ़ रहा है इतना घट। फिर एक होता है इस तरह का डिमांड कर्व जो एकदम बिल्कुल ऐसे झुका हुआ है, एक होता है बिल्कुल इस तरह का, एक स्ट्रेट लाइन जैसा हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा, समझ रहे हो। तो ये डिग्री अलग अलग है। अब ये किंक्ड के अंदर क्या है, ऊपर तो इलास्टिक है और नीचे इन इलास्टिक है, ठीक है। जैसे जैसे खड़ी लाइन आ जाएगी, मान लो कल को ये ऐसा डिमांड कर्व देखा आपने, अगर मतलब क्या है, आप प्राइस चाहे जितनी रख दो डिमांड तो यही रहेगी, क्लियर। तो ये किंक डिमांड कर्व। इसके अलावा ये कुछ और मार्केट के टाइप, मोनोस्पोनी, ये क्या आता है, जहां सेलर एक नहीं है, बायर सिर्फ एक ही है, उसका पूरा डिमांड के ऊपर कंट्रोल है, खरीदने वाला मैं एक हूं, ठीक है। ड्यूओस्पोनी मतलब दो बायर है वो ही चल रहे हैं, सेलर चाहे जितने हो। फिर ओलिगोस्पोनी मतलब कुछ नंबर ऑफ बायर्स है, जैसे ओलिगोपोली होता है ऐसे खरीदने वाले कुछ एक है। फिर बायलेटरल मोनोपोली मतलब बायर भी एक सेलर भी एक, मान लो रेलवे की कोई कंपनी है वही कोच बना रही है और इंडियन रेलवे खरीद रहा है, तो ये कैसा मार्केट हो गया, बायलेटरल मोनोपोली। तो ये चारों नाम याद होने चाहिए, मोनोपोली की जगह मोनोपसोनी, ठीक है, ड्यूओप्सोनी मतलब दो, ओलिगो यानी ओलिगो में फ्यू होते हैं तो यहाँ फ्यू बायर्स है, ये एस आते ही मतलब बायर्स की बात हो रही। फिर इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट, मार्शल ने मार्केट को चार अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया है, ठीक है। अल्फर्ड मार्शल ने मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमिनेशन के लिए चार मार्केट पीरियड में बांटा है। सबसे पहला होता है मार्केट पीरियड प्राइस, मार्केट पीरियड प्राइस। क्या कहना है अल्फर्ड मार्शल का, कि मार्केट पीरियड वो पीरियड है
जिसके अंदर कोई आप नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। भाई मार्केट के अंदर एक तरफ तो डिमांड करने वाले हैं, खूब सारे कंज्यूमर्स खड़े हैं लाइन लगा के खरीदने आए हैं रोज सब्जी, दूसरी तरफ सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, दुकानदार बैठे। अब मार्केट पीरियड प्राइस वो प्राइस है कि कम समय है, मान लो सब्जी की बात करें पेरिशेबल गुड्स से, आज सुबह आप जितना स्टॉक लेके आए आपके पास स्टॉक तो वही है, अब डिमांड करने वाले अगर बहुत ज्यादा आ गए तो क्या आप अचानक सब्जियां रातों रात या दिन में बैठे बैठे सब्जियां नहीं ला सकते हो क्या? नहीं, आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आपकी जो कीमत तय होती है वो बेसिकली तय होती है कि उस दिन की डिमांड कैसी है। किसी दिन बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, मान लो शादी का सीजन है, खूब लोग डिमांड करने आ गए, तो सब्जी की रेटें अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई क्या है, फिक्स है। सप्लाई क्या रहती है बताओ? फिक्स रहती है, क्योंकि इतना कम समय होता है कि आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर, बात समझ आई? मार्केट पीरियड का मतलब एकदम कम समय जिसमें सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहां प्राइस कैसे तय होगी बताओ? मान लो किसी दिन सप्लाई करने वाले 100 किलो आलू लेके आए, मान लो एक आलू की बात करें, डिमांड करने वालों ने भी 100 किलो आलू की डिमांड की, तो नॉर्मल जितना बेचने को माल है उतना ही खरीदने वाले। अब किसी दिन डिमांड करने वाले मान लो 50 ही आए, तो बेचने वाले तो 100 किलो खराब हो जाएंगे शाम को, तो ये क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे, कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड क्या है? कम। किसी दिन शादी है, 200 किलो डिमांड आ गई, तो अब डिमांड करने वाले खूब हाई तो मचा रहे हैं, आलू चाहिए सबको, तो कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ मार्केट पीरियड जो है, मार्केट पीरियड मतलब एक बार में जब मार्केट लगता है उतने समय के अंदर प्राइस कैसे तय होती है? डिमांड से ही तय होती है, क्योंकि सप्लाई तो हमारी क्या है? फिक्स है। क्या सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्लियर, ओके। दूसरा पीरियड होता है कौन सा? शॉर्ट पीरियड प्राइस, मतलब मार्केट पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा, जहां पे आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन को बढ़ा के सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो। सिर्फ कौन से प्रोडक्शन को? वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो। हम आगे प्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे, दो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। वेरिएबल का मतलब लेबर और रॉ मटेरियल, फिक्स का मतलब नई फैक्ट्री लगाना, नया पूरा खेत लगाना सब्जी उगाने के लिए। वेरिएबल का मतलब जो पानी और रॉ मटेरियल और वो चीजें, लेबर और वो इंक्रीज करना। तो ये फ्यू मंथ्स का टाइम होता है जिसमें डिमांड जो है उसके हिसाब से आप क्या करते हो? सप्लाई को बढ़ा तो सकते हो, लेकिन कितना? सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है। पर इस तरह जो प्राइस तय होती है उस प्राइस को क्या कहते हैं? शॉर्ट रन नॉर्मल प्राइस। शॉर्ट रन यानी कुछ महीनों के अंदर नॉर्मल प्राइस यही रहती है। भाई जैसे आने वाले 3 महीने शादियों का सीजन है, ठीक है, तो अगर टमाटर की बात करें, अब रातों रात नए खेत तो कोई पैदा करने से रहे आप पर्टिकुलर अपने गांव के अंदर एरिया के अंदर, तो आप क्या करोगे? वहीं ज्यादा बीज, ज्यादा लेबर, वेरिएबल फैक्टर लगा के जितना उत्पादन मैक्सिमम कर सकते हो वो करोगे। अब डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपकी डिमांड कितनी है और आपकी सप्लाई जो है आपने कितनी उस वेरिएबल फैक्टर की वजह से बढ़ाई। तो इस तरीके से जो प्राइस तय होती है उसको कहते हैं शॉर्ट रन नॉर्मल प्राइस। फिर होता है लॉन्ग रन पीरियड, मतलब लंबे समय में, जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज करके सप्लाई को इंक्रीज डिमांड के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। तो ये लॉन्ग रन में जो हम पढ़ते हैं क्या, जो डिमांड और सप्लाई मिलके प्राइस तय करती है, डिमांड और सप्लाई, तो ये क्या कहलाती है? नॉर्मल प्राइस कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल प्राइस। एक फोर्थ होता है सेक्युलर पीरियड, ये बहुत लंबा समय 20-25 साल। तो इसमें मार्शल ने खुद ने कहा हम कुछ एनालिसिस नहीं करते, प्राइस किस तरीके से तय होती इतना हमें आइडिया नहीं है। चार मार्केट के टाइम पीरियड बताए, चार तरीके बताए जिससे प्राइस तय होती है। एक होता है सबसे शॉर्ट मार्केट पीरियड, जिसमें आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, डिमांड तय करती है। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड, जिसमें सप्लाई को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो वेरिएबल फैक्टर को। तीसरा होता है लॉन्ग पीरियड, जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, नॉर्मल प्राइस कहलाती है, ठीक है। अब ये जो मार्केट पीरियड है, ये अगर बात करें पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब सब्जियां और जो खराब हो जाती है, इसमें तो दिन भर में आप नई प्रोडक्ट तो ला नहीं सकते। भाई अगर आलू टमाटर की बात करें
तो ये नया तो आप मंडी में ला नहीं सकते, तो जो आपके पास सप्लाई है मान लो 100 किलो, और जो डिमांड आएगी उसके हिसाब से क्या होगी, प्राइस तय होगी। तो प्राइस किसके हिसाब से तय हो रही है, डिमांड के हिसाब से। वहीं अगर इसकी बजाय कोई नॉन पेरिसेबल आइटम है या ड्यूरेबल आइटम है, मतलब जो ज्यादा टिक सकता है, पैक्ड आटा हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये चीजें जो 2 महीने 6 महीने चल सकती है, तो यहाँ पे फिर कैसे कीमत तय होगी। तो यहाँ पे कंज्यूम जो सेलर है वो क्या करता है कि रिजर्व प्राइस तय करता है, रिजर्व प्राइस तय करता है। वो कहता है कि भाई कितनी भी डिमांड कम होगी, हम इसको 10 रुपए से कम तो नहीं बेचेंगे, एक मिनिमम उसने प्राइस तय कर दी, ठीक है, और अगर 10 से ज्यादा कीमत हमें मिली तो हम बेचने को तैयार है, ठीक है। तो एक रिजर्व प्राइस तय करता है उसके उस केस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ आलू टमाटर में क्या रिजर्व प्राइस का कॉन्सेप्ट है? नहीं, क्योंकि दिन भर में बेचना है, उसकी सप्लाई जो है वो शाम को तो खराब हो जाएगी, किसी दिन डिमांड ज्यादा आ गई तो यही आलू 10 रुपए का 50 में भी बिक जाएगा, यही 10 का आलू 2 रुपए में बेचना पड़ सकता है, समझ रहे हो। एंटायरली किस पे डिपेंडेंट है, डिमांड के ऊपर। ड्यूरेबल गुड्स में निर्भर तो ये भी डिमांड के ऊपर है, लेकिन यहाँ एक रिजर्व प्राइस वो सेट करता है, क्योंकि उसको पता है मैं अपने गुड्स को अभी स्टोर करके रख सकता हूँ, 2 6 महीने बाद में बेच दूंगा, इसको सस्ते में मुझे नहीं बेचना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप ये पूरा रिवीजन और ये पूरे नोट्स, इनको आप अपने बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा, चीज़ों को और ऐड कीजिएगा इसके अंदर, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अगेन इतना ही अश्योर कर रहा हूँ, क्लासेस के अंदर जो पढ़ेंगे, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मेरे साथी प्रोवाइड करेंगे, इस एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको किसी दूसरे सोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बस आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत जो है वो दिखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।